Hey all, this is Anjali, and in this video I'll explain you which type of questions come about HTML and XML in your board exams. So ye pura section jo hai aapka wo 5 marks ka aata hai, jisme usually we get question for 1 or 2 marks for HTML and XML. So these are the questions which have been coming, the type of questions have been coming in the previous years. So we'll be just discussing those. So to start with, we have first question as which HTML tag and corresponding attributes are used to include an image as the background of an HTML document. Answer would be the tag is body and background image. मतलब आपको एक image चाहिए जो पूरे page के background पे आए. जैसे color set करते हैं तो वो हम BG color से करते हैं. Same way अगर आपको background में picture चाहिए तो attribute का नाम होता है background. So जो tag हम use करेंगे वो है body. Attribute जो use करेंगे वो है background is equal to name of the image file. तो ये file जो आपने यहाँ mention की है वो पूरी background में आएगी web page के. So that's how we can set the background. Color पूछा होता तो BG color लिखना था, ठीक है? So बहुत सारे tags हैं HTML में, no doubt, पर आपको ये important tags का याद रखना पड़ेगा कि कौन सा tag क्या करता है. Then is how is P tag different from BR tag? पहली चीज, P एक container tag है, paragraph को represent करता है, so it has to be given in the opening P and closing P. So P is a container tag, whereas BR is an empty tag. दूसरा, P जब हम यूज करते हैं तो जहां पे भी पैराग्राफ होता है उसके ऊपर एक लाइन ब्लैंक छूटती है और उसके नीचे, whereas BR सिर्फ आपके जहां पर भी BR आएगा वहां से टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है. सो दैट विल बी द सेकंड डिफरेंस. देन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक हाउ आर टैग्स यूज्ड इन XML डिफरेंट फ्रॉम टैग्स इन HTML. राइट 2 पॉइंट्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलमोस्ट एवरी ईयर वन और द अदर वे थोड़ा ट्विस्ट करके वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि XML और HTML में क्या डिफरेंस है. So XML का major question जो आता है वो यही होता है कि उसका और HTML का क्या difference है. So HTML और XML का क्या difference है, यहाँ पे 2 points बोले हैं तो मैं 2 points ये बता रही हूँ. उसके बाद I have listed all these points जो इनके difference में होते हैं. So depending upon कि question किस तरह से आता है आप अपना answer थोड़ा सा mold करके लिखोगे. So इस question के accordingly answer हो सकता है कि in HTML we have predefined tags whereas in XML we create our own tags. XML tags are case sensitive whereas HTML tags are case insensitive. Capital small का फर्क नहीं पड़ता है HTML में, but पड़ता है XML में. So ये दो main differences हो गए. But otherwise we have many differences. Like HTML को हम कहते हैं it's not a well-formed document, but XML is a well-formed document. मतलब कि अगर आप कुछ गलत लिखते हो HTML में तो कोई error नहीं show करता वो कि आपने ये चीज गलत लिखी. जैसे Java में अगर मैं semicolon miss कर दूं तो वो मुझे बताता है कि आपने इस line में यहाँ पर ये चीज miss करी है. सेम वे एरर्स XML में भी आते हैं, बट HTML में कोई ऐसा फॉर्मेट डिफाइंड नहीं होता, सो इट्स नॉट अ वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट. देन सिंस XML के टैग्स हम खुद क्रिएट करते हैं तो हमें एक स्पेशल फाइल बनानी पड़ती है जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD फाइल, इन विच वी डिफाइन द टैग्स फर्स्ट. तो पहले हम टैग्स डिफाइन करते हैं उसके बाद XML पेज हम डिजाइन करते हैं, बट HTML में वी डोंट नीड अ DTD, उसके टैग्स ऑलरेडी डिफाइंड है. Then HTML वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज होता है जबकि XML वेब पेजेस में डेटा मैनेज करने के लिए यूज होता है. फिर HTML जो है इसमें दोनों तरह के टैग्स होते हैं, कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स, जबकि XML में सिर्फ कंटेनर टैग्स होते हैं. मतलब अगर कोई टैग ओपन होता है तो वो क्लोज भी होगा, सिर्फ ओपन करके हम नहीं छोड़ सकते उसको. देन है ये तो सारे डिफरेंसेस हो गए, तो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, आपको लिखना है. अगर सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ XML तो इसमें डिफरेंस नहीं लिखोगे, जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम लिख देंगे फॉर द फीचर्स ऑफ XML. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ सेंटर टैग इन HTML डॉक्यूमेंट. सो नाम से ही पता चल रहा है सेंटर मीन्स व्हाटएवर यू विल राइट इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटर टैग वो स्क्रीन में सेंटर में शो होगा. सो इट विल शो द कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. व्हाट इज XML? सो डेफिनेशन इज XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. It's used to define new tags and use those tags for managing data in web pages. फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कुछ भी टैग्स दे देंगे, जैसे 2 mark का क्वेश्चन आया mention the purpose of each of the following HTML tags. तो ये 4 टैग्स हैं, आपको इनका पर्पस बताना है, 1/2 mark each. So B को आप एक्सप्लेन कर दो, इट्स यूज्ड फॉर बोल्ड टू शो द टेक्स्ट थिक एंड डार्क. LI इज फॉर द लिस्ट आइटम, HR फॉर शोइंग द हॉरिजॉन्टल रूल एंड टेबल इज टू क्रिएट अ टेबल. So, वो कोई भी 4 टैग्स हो सकते हैं जिसका आपको बताना होगा कि उन टैग्स का क्या पर्पस है. देन ऐसे आ सकते हैं राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी टैग. मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, आप कोई 2 लिख सकते हो एग्जाम में.
So img, br, input, hr, ye sab hamare empty tags hain. What do you mean by a web server? Web server is a server where the website is actually stored and which handle all the client requests for that website. So that's a basic definition. Ye question jo hai, ye forms ke saath related hai. Itna important nahi hai, but previous questions mein ek baar aaya tha, bahut saal pehle, so you should not neglect it. So the question is difference between get and post methods of form tag. So jab hum form tag use karte hain, yahan par ek attribute likh sakte hain method. Method ki do values ho sakti hain, get and post. Agar aap method get use karte ho, to jo form ka data hum fill karte hain, like name, password, gender, jo bhi aapne fill kiya form mein, that would be passed over here as part of the address bar. Ye jo line hai, isse hum address bar kehte hain, it will be passed here. Hum dekh sakte hain ki kya data pass ho raha hai. लेकिन पोस्ट के केस में वो हिडन फॉर्म में पास होता है, वो दिखता नहीं है कि क्या डेटा सर्वर पे जा रहा है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इन द डिफरेंस. देन राइट एचटीएमएल कोड टू प्रोड्यूस अ टेक्स्ट एरिया विद 10 रोज एंड 30 कॉलम्स. सो टेक्स्ट एरिया मैंने फॉर्म्स वाली वीडियो में आपको बताया था कैसे बनाते हैं. सो सिंपल है, आप टेक्स्ट एरिया टैग लिखोगे, रोज 10, कॉलम्स 30, एंड देन टेक्स्ट एरिया को बंद करेंगे. सो सिर्फ कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट एरिया है जिसके लिए आपको सेपरेट टैग्स यूज करने पड़ते हैं, लाइक कॉम्बो बॉक्स के लिए सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया. बाकी सारे फॉर्म एलिमेंट्स हम इनपुट टैग की हेल्प से क्रिएट करते हैं. देन व्हाट डू यू मीन बाय अ वेब ब्राउजर? द सॉफ्टवेयर इन व्हिच यू व्यू द वेबसाइट्स. देन व्हिच टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई? अभी जैसे ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें टैग लिखा हुआ था और आपको बताना था वो टैग क्या करता है. दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि उसमें पूछेंगे कि ये काम है, अब बताओ इसके लिए टैग कौन सा होगा. सो टेबल डेटा के लिए टीडी, टेबल हेडर के लिए TH, टेबल रो के लिए TR, एंड टेबल बॉर्डर देने के लिए जो टैग है वो टेबल है, एंड एट्रीब्यूट जो है बॉर्डर, उसके आगे हम बॉर्डर की विड्थ देते हैं कि कितना थिक बॉर्डर हमें चाहिए होगा. देन क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन OL एंड UL, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. सो ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्ड लिस्ट होती है जहाँ पे नंबरिंग आती है 1, 2, 3, आप एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हो. UL होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ पे बुलेट्स आते हैं. So you can write the difference between the two with an example. Then what do you mean by href attribute in anchor tag? href stands for hypertext reference. A tag ke saath use karte hain to specify name of the file jise open karna hai, kyunki a tag hota hai hyperlink banane ke liye. So which file you want to open, uska naam hum yahan href ke aage likhte hain. Agar space hai file name mein to wo double quotes mein aata hai, otherwise aise bhi work karta hai. So A href is equal to name of the file which has to be opened, and जब हम login पे click करेंगे तो वो इस file को open कर देगा. So that is the purpose of href. Similarly ये question पूछ सकते हैं image tag के बारे में कि src and alt attribute image tag के क्या करते हैं. So src stands for source. src stands for source means it is used to tell the name of the image जो मुझे show करनी है screen पे. And alt is the alternate text, means अगर by chance किसी reason से browser image को show नहीं कर पाता है तो उसकी जगह पर आप चाहते हो कि कुछ text लिखा हुआ आ जाए, so वो text हम दे सकते हैं alternate text में. ठीक है, so example हो गया ये. अब कई बार question ऐसे आ जाता है कि image tag दिया होगा, यहाँ src नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा source, so img source is equal to winter.jpg. फिर वो आपसे पूछेंगे कि मिस्टर सो एंड सो हैज रिटन दिस कोड, बट ये कोड इमेज को शो नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एरर फाइंड करने की. तो एचटीएमएल के क्वेश्चंस पिछले कुछ साल से वो दे रहे हैं जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है. तो उसका एरर क्या है कि एट्रीब्यूट का नाम सोर्स नहीं है, एट्रीब्यूट का नाम है SRC. ठीक है, सो बहुत छोटे छोटे एरर्स होते हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा उस स्टेटमेंट को, क्योंकि देखने में तो सोर्स SRC सेम लगता है बट इट्स नॉट सेम. तो अगर उन्होंने सोर्स लिखा है तो वो गलत है, उसकी जगह पर SRC होना चाहिए, वो आप करेक्शन करके बताओगे. सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली HTML पे बेस्ड, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फ्यू सैम्पल पेपर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जहां पर आपको स्क्रीन दी होगी HTML की कि ये दिखना चाहिए और इसके लिए HTML का कोड लिखो. वो टेबल हो सकता है, वो फॉर्म हो सकता है, या कुछ भी ऐसा पेज हो सकता है. अभी तक कभी वैसा क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल देर आर चांसेस, तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो जैसे मैंने पहले वाली HTML वीडियोस में एक्सप्लेन की. सो इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली HTML और XML पे बेस्ड आते हैं, एंड वेटेज है 5 मार्क्स. ओके,
ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू दैट. टिल देन स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.